हाल ही में चंद्रशेखर आजाद आपको आपकी हत्या करने की कोशिश की गई, चार लड़कों की गिरफ्तारी हुई ना? हाँ, गिरफ्तारी हुई और पुलिस ने जांच को सरकार के इशारे पे वहीं का वहीं रोक दिया। अभी तक पुलिस ने उनकी जो है कस्टडी रिमांड भी नहीं मांगी है, पुलिस रिमांड भी नहीं ली है कि उनसे पूछताछ की जाए कि बेसिकली इनके पीछे कौन था। मुझे इसका आभास था, कई बार मेरी गाड़ी का पीछा हो, मैंने इसके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस के DGP को भी और मुख्यमंत्री के नाम और गृह मंत्री जी के नाम भी अप्लीकेशन की है, वहाँ के SSP DM को भी अप्लीकेशन दी थी। उन्होंने लापरवाही बरती क्योंकि इस देश में जिस तरह का खिलवाड़ सरकार कर रही है, जिस तरफ सत्ता के इशारे पर, और वो सत्ता का जो घमंड है, होता है सरकारें आती जाती रहती है, जब आदमी सत्ता में होता है तो थोड़ा सा वो डंकूस तानाशाह घमंडी हो जाता है, उस समय उसको ये सब चीज़ें नहीं दिखाई देती कि उसके द्वारा कितने गलतियाँ की जा रही हैं। 21 तारीख को चंद्रशेखर आज़ाद दिल्ली के जंतर मंतर से जो आप पर हमला हुआ उसका जवाब देंगे। देखिए, जवाब क्या है, जवाब तो सरकार को देना है। हम तो सवाल, अपना सवाल रखेंगे सरकार के सामने। इस देश के करोड़ों दलितों, शोषितों, वंचितों, अल्पसंख्यकों पर जो हमले हो रहे हैं, चाहे मूछे रखने पे, चाहे घोड़ी पे बैठने पे, चाहे उनको पेशाब पिलाना हो, ये तमाम जो हमले जो हैं जो सरकार के संरक्षण में हो रहे हैं, क्योंकि अगर आपके पास सारी पावर है, आपके पास पुलिस है, इंटेलिजेंस है, LIU है, IB है, उसके बावजूद भी अगर इतना ये अन्याय हो रहा है, जातिगत अन्याय हो रहा है, तो फिर ये सरकारें और ये कानून व्यवस्था किसके लिए? और फिर UP सरकार की हत्या पे एक बड़ी आसान सी सफाई, अगर किसी ने हत्या कर भी दी तो हम क्या करेंगे, हम क्या कर सकते हैं? तो फिर भाई आप कुर्सी में क्यों बैठे हो? जयंत चौधरी आपके सियासी साथी हैं जी, और ऐसी अटकलें हैं कि वो BJP में जा सकते हैं, तो क्या जो आपका गठबंधन एक है, आपका समाजवादी पार्टी का, RLD का, तो उसे आप कैसे देखते हैं, क्या वो गठबंधन टूटेगा? या जहाँ तक मुझे पता है उस गठबंधन में कोई साथी बढ़ तो सकता है, कम नहीं हो सकता है। जो राहुल गांधी अब जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं उसे कैसे देखते हैं आप? भाई, ये राहुल गांधी जी की राजनीति मैं उसको कैसे देखूं? भाई, अगर अच्छी राजनीति करेंगे तो जनता स्वागत करेगी, और अगर अच्छी जनता की राजनीति पसंद नहीं तो जनता जो है फिर जो है सम्मान नहीं करेगी ना स्वागत करेगी। क्या आपने कभी मायावती जी से मिलने की कोशिश की? तो इस सवाल का बार का जवाब मैं 4000 बार दे चुका हूँ, और हमेशा मैं एक बार दे दूँ। बस मैं आपकी आंखों को पढ़ रहा था, आजकल मैं बाबा वो जो बाबा बागेश्वर की तरह कुछ पढ़ने लगा हूँ चीज़ों को ना, बिना पर्चे के। तो मैं समझ रहा था कि आपका यही सवाल आने वाला है। 80 करोड़ लोग जिनको चिल्ला कहते हो सस्ता राशन दे रहे हैं, तो शर्म नहीं आती कहते कि 80 करोड़ लोग हमारे यहाँ सस्ता राशन ले रहे हैं? मजा तो तब होता जब वो कहते कि 80 करोड़ लोग सक्षम हो गए, अपने पैरों पर खड़े हो गए। ये निकम्मे निठल्ले लोगों की सरकार है जिनका काम है देश की गरीब जनता को लूटना और पूंजीपतियों को देना। ये तो बोल रहे कि हवाई चप्पल वाला जो है हवाई जहाज में सफर करेगा, कर तो रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर कर नहीं रहे हैं। वो कहते हैं अच्छे दिन आएंगे BJP के लोगों के, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी अपने आप पढ़ाओ और बचाओ BJP के लोगों से, ठीक है? वरना तो ब्रजभूषण जैसे जो हैं देश की जो मेडल लाने वाली बेटियों का शोषण करने वाले लोग जो हैं, और कोई पत्रकार कुछ पूछेगा तो वो हाथ तोड़ देंगे उनका। साहब काशीराम कहते हैं, तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ते 1000 होते हैं, तमन्ना अगर झूठी हो तो बहाने 1000 होते हैं।